कुर्मी हो, चाहे वो साहू हो, ऐसे बहुत सारे कुमकार हो, वो लोग भी वनपट आश्रित लोग हैं। उनकी भी सारी सीमाएं को सीमित करते हुए कॉरपोरेट हाउस के मर्जी पर सबके जीवन को देने का काम किया गया। मतलब कॉरपोरेट हाउस अपने एस्टेब्लिशमेंट के लिए। और मजेदार तथ्य क्या है, ये लोग कहते हैं भारत सरकार के जो वकालत करने वाले लोग कि हम डिफॉरेस्टेशन के एवज में एफॉरेस्टेशन करेंगे, मतलब हम वन जो काटेंगे उसके लिए हम पेड़ लगा देंगे। एक बहुत साफ शब्दों में हम लोग कहना चाहते हैं और हम लोगों ने जो सीखा है अपने पूर्वजों से, जंगल बनाया नहीं जा सकता, पहाड़ उगाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये प्रकृति इसका सृजन करती है। और एक जंगल बनने में सैकड़ों हजारों साल लगते हैं, तब जाकर जंगल बनता है। आप बाग लगा सकते हो, जंगल नहीं बना सकते, उसका अपना एक कैरेक्टर होता है, उसका चरित्र होता है। और जो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बंगाल, इन इलाके में जो जंगल है वो सभी प्राकृतिक जंगल। कुछ दिन पूर्व, एक साल के पहले हम लोगों ने देखा था महाराष्ट्र में भाजपा के शासनकाल में आरे फॉरेस्ट जो मुंबई का धमनी है उसको काटने का काम किया गया मेट्रो का कारशेड बनाने के लिए। पूरे देश में इसका विरोध हुआ, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पर संज्ञान लिया, तब जाकर उसको संरक्षित कर पाया। और ये फॉरेस्ट कल्चर जो संरक्षण नियम बना है ये उसको भी समाप्त कर देता है। ये कितना डरावना नियम है, जिसका जिक्र हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल लिखा है प्रधानमंत्री जी। मैं आपको मोटे तौर पर 7 ऐसी विसंगतियां बता रहा हूं जो ये नियम के एग्जीक्यूशन के साथ साथ लोगों को तबाह करने का काम करेंगे। उसमें पहला है जो इकोलॉजिकल इंपैक्ट होगा उसकी कोई असेसमेंट नहीं, मतलब पर्यावरण पर उसका जो प्रभाव पड़ेगा उसकी कहीं से भी बातें नहीं की गई। दूसरा, जो जूलॉजिकल जो इंपैक्ट होगा, मतलब जंगल के अंदर रहने वाले जो जीव जंतु जब जंगल कटेंगे तो वे बाहर निकलेंगे। ऐसे भी झारखंड बहुत लंबे दिनों से हाथी के आतंक, लोमड़ी, लकड़बग्घा, तेंदुआ, भालू, ये जो वन्य जीव है उनके आक्रमण का शिकार होते रहा, जान माल की बहुत अकूत नुकसान होती रही। अब जब फिर से जंगल काट दिया जाए तो ये समस्या इससे दुगनी चौगुनी ज्यादा हो जाएगी। तीसरा है सामाजिक, ये सामाजिक प्रभाव जो दुष्प्रभाव जो पड़ेगा उसकी भी समीक्षा नहीं की गई। चौथा है रिचुअल, जो हमारी परंपराएं हैं, क्योंकि हम पेड़ पौधों का पूजा करते हैं, पहाड़ का पूजा करते हैं, वो सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएगी। पांचवा है जो आर्थिक दुष्प्रभाव होगा। हम लोग जानते हैं समाज में आज भी चाहे कोई भोज भात हो, पूजा का प्रसाद ग्रहण करना हो, हम लोग साल पत्ते के धोने पर, कमल पत्ते के धोने पर उसको दिया जाता है। वे एक बहुत छोटा लेकिन एक रोजगार का उपाय, जलावन की लकड़ी, क्योंकि उज्ज्वला योजना में आप सिलेंडर से एक बार दे दिए, जब दाम 400-450 के करीब था, अब जब 1200 रुपए हो गए सिलेंडर के दाम, तो सिलेंडर तो नजारा, तो जलावन लकड़ियां, दत्वन, करंज का फूल, करंज का फल, महुआ का फल, कटहल, बेर, आंवला, ऐसे कई प्रकार के जिससे लोग रोजगार करते हैं वो समाप्त हो जाएगा। छठा, जो टोपोलॉजिकल इंपैक्ट होगा, मतलब धरती पर जो चेंजेस आएंगे वो भी समाप्त हो जाएगा। और सबसे खतरनाक है कि डेमोग्राफी ही चेंज हो जाएगा, मतलब जो यहां का जो मानवीय सामाजिक परिवेश है वही समाप्त हो जाएगा। ये इतना खतरनाक नियम यदि बनता है
एक एक चीज करके भारत सरकार ने बेचने का काम किया। रेल बेचा, सेल बेचा, गेल बेचा, एयरपोर्ट बेचा, नेचुरल गैस बेचा, बंदर बेचा, नदियां बिकी। जो एक शाश्वत चीज है प्रकृति, अब वो प्रकृति की भी नीलामी होने की तैयारी की गई। मतलब एक भी चीज को छोड़ना नहीं। प्रकृति क्यों छूटेगा, यह सृष्टि क्यों छूटेगी, इसको भी बेचो। और उसी के लिए ये नियम लागू करने की तैयारी की गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि इधर हाल के दिनों में जब से गुजरात का चुनाव और हिमाचल का चुनाव हुआ, बहुत सारी चीजें उनके मुंह से सुनने को मिली। लगा कि वे संवेदनशील है प्रकृति के प्रति, लेकिन यदि यह कानून बन जाता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल, तब तो फिर यहां के लोगों को बेहतर है कि देश के लगभग 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को आप इच्छा मृत्यु की अनुमति दें। जब प्रकृति ही नहीं रहेगा, जब प्रकृति पर जो आश्रित लोग हैं उनका यदि आश्रय ही छीन लिया जाएगा, तो वो जिंदा रह के भी क्या करें। ये बहुत संवेदनशील सवाल। मैं पूरे दलगत भावना से ऊपर उठकर मैं ये अपील करना चाहता हूं अपनी पार्टी की ओर से। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस बात को कहा है, जिस बात की ओर संकेत किया, उस पर दलगत मतभेद को बुलाकर हम सबको आगे आना चाहिए कि कॉरपोरेट राज के खिलाफ जो न्यूनतम लगाम हो, कम से कम वो न्यूनतम लगाम भारत सरकार लगाए। इसी बात के लिए आप लोगों को आज यहां पर आप लोगों से बात करने की इच्छा हुई। आप लोग आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई यदि विशेष आपके सवाल है तो वो आमंत्रित। निश्चित तौर पे ये एक बहुत गंभीर विषय है और हम लोग अब इस विषय पर हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और पार्टी के माननीय अध्यक्ष गुरुजी से हम लोग विचार विमर्श कर एक रूपरेखा तय करेंगे। और क्योंकि चूंकि खाली ये झारखंड का विषय नहीं रहेगा, ये अंतर्राज्यीय विषय है, तो इस पर एक व्यापक बहस और गोलबंदी भी जरूरी है। अफसोस की बात है कि उस जगह का शिलान्यास हमारी सरकार ने नहीं किया था। काम तो चल रहा है, वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। हमारे सरकार से पहले ही काम शुरू हो चुका था, वनों की कटाई हो चुकी थी। हम लोगों को तो इस बात का भी दुख है कि राजभवन के भी पेड़ बहुत सारे कट गए। जो हम कह सकते हैं कि शहर के बीचों बीच वो एक धमनी का काम करता था, ये बात का अफसोस तो है। अब बहुत सारे पहाड़ कट गए हमारे झारखंड के, डेवलपमेंट के नाम पे, फोरलैंड के नाम पर। तो विकास तो अब विनाश के शर्त पे ही लगता है कि 1995 के बाद, जब प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो गोल्डन क्वालिटरल रोड की जो आधारशिला रखी थी, तब से ये फोर लेन सिक्स लेन होना शुरू हुआ। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।